हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो इंडियन बड़ी यूट्यूब चैनल को। और अगर आप भी 30,000 में कोई फोन लेने वाले हो और उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जून महीने में आपके लिए कौन से फोन बेस्ट रहेंगे अंडर 30,000, यानी कि टॉप 5 फोन अंडर 30,000 रुपीज। दोस्तों, इस लिस्ट को बनाने के समय हमने कुछ खास बातों का भी ध्यान रखा है, जैसे कि इन सभी फोन में हमें हाई एंड प्रोसेसर मिलना चाहिए, बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलनी चाहिए और 6GB रैम के साथ कम से कम 128GB का रोम भी होना चाहिए, कम से कम 48MP या 64MP का कैमरा सेटअप होना चाहिए। एंड द मेन थिंग, क्योंकि दोस्तों हम 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें इन सभी फोन्स में 5G का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे 5वें नंबर के फोन की तरफ, जो कि है OnePlus Nord 5G। इस फोन में दोस्तों आपको 6.4 इंच की एक FHD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। स्नैपड्रैगन 765 5G चिपसेट आपको इसमें दिया गया है। रियर साइड में आपको 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको दिया गया है 32+8MP का डुअल कैमरा सेटअप। 4150mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई है, जो कि आती है 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। इस फोन का अगर आप बेस वेरियंट लेते हो, यानी 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट, तो वो आपको 25,000 रुपए का मिलेगा। और अगर आप इसका 12GB रैम और 256GB रोम वाला वेरियंट लेते हो तो वो आपको 30,000 रुपए का मिल जाएगा। इस फोन की परचेस लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके इसको चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के 4थे नंबर के फोन की, जो कि है Vivo V20 Pro। इस फोन में दोस्तों आपको दी गई है 6.4 इंच की एक FHD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन। स्नैपड्रैगन 765 आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है। रियर साइड में आपको 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट में आपको दिया गया है 44+8MP का डुअल कैमरा सेटअप। 4000mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई है, जो कि आती है 33W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। इस फोन का 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट आपको 29,990 रुपए का मिल जाएगा। इसकी भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके इसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, लिस्ट में जो आगे फोन आने वाले हैं वो बहुत तगड़े फीचर्स के साथ आते हैं, तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे 3रे नंबर के फोन की तरफ, जो कि है Realme X7 Pro 5G। इस फोन में दोस्तों आपको दी गई है 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि आती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। Dimensity 1000+ आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है। 4500mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, जो कि आती है 65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। रियर साइड में आपको 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें यूज किया गया है सोनी IMX686। फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी प्लस डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। इस फोन का दोस्तों 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 29,999 रुपए का मिल जाएगा। इसकी भी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे 2रे नंबर के फोन की तरफ, जो कि है Mi 11X। इस फोन में दोस्तों आपको दी गई 6.6 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि आती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 870 आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है। रियर साइड में आपको 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और फ्रंट में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। 4500mAh की इसमें भी आपको बैटरी मिल जाती है, जो कि आती है 33W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और साथ ही दोस्तों इस फोन में भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। LPDDR5 की आपको इसमें रैम मिलती है और क्योंकि ये फोन मी का है, तो इस फोन में भी आपको IR ब्लास्टर का सेंसर मिल जाता है। इस फोन का दोस्तों 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको 29,999 रुपए का मिल जाएगा, यानी कि आप 30,000 ही समझ लो, 1 रुपए कम से क्या फर्क पड़ता है। और इस फोन की भी दोस्तों परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी जाके इसको चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 फोन की तरफ, जो कि है IQ7। इस फोन में दोस्तों आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जो कि 5G प्रोसेसर है और काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर भी है। 6.6 इंच की आपको इसमें फुल HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही दोस्तों इस फोन में आपको 340Hz का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है। 4400mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, जो कि आती है 66W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रियर साइड में मिल जाता है और फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन में भी दोस्तों आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको डुअल चिप सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि आपका जो फोन का बाकी फंक्शन होगा वो आपका स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर संभालेगा और इसमें स्क्रीन के लिए एक अलग चिपसेट लगाया गया है। तो दोस्तों, इन द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो टॉप 3 फोन्स थे वो तीनों फोन एक दूसरे को टक्कर देते हैं। बाकी इसमें आपको देखना ये है कि आपकी सहूलियत के हिसाब से कौन सा फीचर
किस फोन में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।